भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है, जिसको लेकर दोनों टीम के प्लेयर्स राजधानी रांची शुक्रवार को ही पहुंच चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स यहां से सीधा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर रेडिसन ब्लू में पुख्ता इंतजाम किया गया है। रेडिसन ब्लू के समक्ष खेल प्रेमी भी पहुंचे हैं, जो अपने पसंदीदा प्लेयर को देखना चाहते हैं। वहीं इस मैच पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल रांची में हुई हल्की बारिश के बाद ग्राउंड स्टाफ तिरपाल से मैदान को ढंकते नजर आए। इससे पहले मौसम विभाग ने भी मैच के दिन बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में यह वनडे मुकाबला भी पहले मैच की तरह बारिश से प्रभावित हो सकता है। रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर की दोपहर सेकेंड हाफ में आकाश में बादल छाए रहने व हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में क्रिकेट फैंस की चिंता और भी बढ़ गई है। वहीं JSCA प्रेसिडेंट संजय सहाय ने बताया कि बारिश को देखते हुए मैच की तैयारी की जा रही है। ग्राउंड के चारों तरफ कवर लगाया गया है, ड्रेनेज की भी व्यवस्था है, जिसके कारण बारिश होने के 45 मिनट के बाद आउटफील्ड सूख जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।